यहाँ पे मैं सबसे पहली सेटिंग्स आप सभी लोगों को बता दूं जो कि होने वाली है एम असिस्ट। तो गाइज ये वाले क्यों आप सभी लोगों को यार हमेशा के लिए ऑन रखनी है एम असिस्ट को। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, सपोज डैट कि यहाँ पे एक बंदा है, ठीक है, आपका ओपोनेंट यहाँ पे खड़ा है, तो आप सभी लोग जैसे फायर करते हो तो आपका जो एम है ऑटोमेटिक उनके बॉडी पे चला जाएगा। तो यार इससे होगा क्या, आपका आपका जितना भी बुलेट है ना इधर उधर लगे, ना ही राइट लगेगा ना ही लेफ्ट लगेगा, वो डायरेक्ट ओपोनेंट के बॉडी पे जाके लगेगा। तो गाइस ये थी मेरी पहली बात। और दूसरी बात, आप सभी लोग को इसको ऑन कर लेना, ब्लॉक वार्निंग्स वगैरह जो भी है वो गाइस बहुत ही ढंग की चीज़ नहीं है। ये वाली चीज़ बहुत जान को नहीं पता, जो कि आप सभी लोग को प्रो बनने में हेल्प नहीं करती। तो ये देखिए जैसे कि मुझे ये ब्लॉक बता रही है, ये वाली जो रेड कलर की आगे बोल रही है कि भाई आप इसके आगे बुलेट नहीं थ्रो कर सकते हो, तो इससे हमें बंद कर देना। अब देखो, अब मैं इसके आगे बिल्कुल ईजिली थ्रो कर सकता हूँ, बिल्कुल ईजिली बुलेट मार सकता हूँ। तो ये थे, इससे ये वाले फायदा हो गया। सो, अब हम चलते हैं अपने पीक एंड स्कोप ओकन को, नहीं पीक एंड फायर पे। तो गाइज ये है कुछ इस तरह की बंद रहेगी, तो आप सभी लोगों को बस करना है क्या, पीक एंड फायर देगा। यहाँ पे बटन खत्म हो गया, मतलब पीक एंड फायर की बटन हट चुकी है। तो यार पीक एंड फायर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है गेम में। तो यार देखिए पीक एंड फायर से हो गए क्या, आप सभी लोग ईजिली बिल्कुल पीक कर सकते, मार सकते हो। इससे होगा क्या यार, जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे कवर लेके मार रहे हो और आपको ओपोनेंट उधर साइड हो, तो आप सभी लोग बिल्कुल इजीली इस तरह से किसी भी ओपोनेंट को मार सकते हो, बहुत ही इजीली आप सभी लोग मार सकते हो। अगर आपका ओपोनेंट उधर साइड है, चाहे आप राइट से चाहे लेफ्ट से, बिल्कुल ईजिली मार सकते हो। और जो दूसरी बात पीक एंड फायर से ही रिलेटेड है, तो यार पीक एंड फायर से दूसरी पीक एंड स्कोप एंड स्कोप, तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। आप सभी लोग सोचो यार, अगर आप सभी लोग बिना स्कोप यानी कि इस तरह से कुछ मारेंगे, तो आप सभी लोग का बहुत कम ही चांसेस है कि उन पे बुलेट पड़े। लेकिन आप सभी लोग अगर पीक एंड स्कोप ओपन करते हो तो बिल्कुल आप सभी लोग ईजिली मार सकते हो अपने ओपोनेंट को यार, किधर से भी आप सभी लोग कर सकते हो, जैसे राइट या लेफ्ट किधर भी साइड से आप सभी लोग कर सकते हो। तो यार इसकी मतलब यही है, आप सभी लोग पीक एंड फायर को ओपन रखो और पीक एंड फायर ओवे विथ स्कोप वाली को भी ओपन रखो यार, बहुत ज़्यादा फायदा होती है। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे टिप्स पे। तो ये है लर्न मोड, और ये मान लो किसी भी सेटिंग्स पे रहे तो हमें इससे कोई मतलब नहीं रखना। आप सभी लोगों को मैं हर एक चीज़ दिखा दूँगा, अगर टैप पे रखते तो देखिए केवल हम टैप करेंगे तभी हटेगा, हम अगर इस पे अगर मिक्स रखे मतलब होल्ड करके रखेंगे तो नहीं होगा। तो मैं आप सभी लोग एक ही सजेस्ट करूँगा, अगर मैं होल्ड पे रखता तो देखिए क्या होगा, मैं सिर्फ होल्ड करूँगा तभी स्कोप खुलेगा, मैं हटा दूंगा नहीं, टैप पे ऐसे होगा कुछ। तो यार इसे हमें फिक्स करना है, तो यार हमें मिक्स्ड पे करना, अगर दोनों एक में ही हमें मिल रहे तो हम क्यों ना इसे ले। तो देखिए टैप पे भी करेंगे तब भी ओपन होगी और मिक्स्ड भी रखेंगे तब भी ओपन होगी। तो ये थी इसकी फायदे, मिक्स्ड पे हमें वो दोनों को रखनी है। गाइस ये जो मैं सेटिंग बता रहा हूँ यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो प्लीज़ यार इसे बहुत ही ध्यान से देखें। और ये वाली बात एक बिगिनर्स के लिए, ये वाले जो कैमरा रोटेशन वाइल लीनिंग और कैमरा रोटेशन विद एडीएस, इससे आपको सभी लोग को ऑफ करके रहे। जैसे देखिए अगर आप सभी लोग बिगनर है तो यार ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, आप सभी लोग बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो प्लीज़ यार इस चीज़ को ऑफ करके रखना, मतलब कैमरा रोटेशन नहीं होने देना। मैंने अपना जायरो ओपन करके रखा हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है, तो मैं जायरो क्लोज कर देता हूँ। अब देखिए अब बिल्कुल भी कैमरा रोटेशन नहीं हो रही, तो आप सभी लोग बिल्कुल, अगर न्यू प्लेयर है तो आप सभी लोग बिल्कुल ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगी एक जगह, आप सभी लोग बिल्कुल इजीली फायर कर सकते हो। यही हम कैमरा रोटेशन ऑन करते तो देखिए क्या होता है, देख रहे हो समझ रहे हो कुछ। तो यार ये वाले बिल्कुल बिगनर्स के लिए बहुत ही खराब चीज है, तो यार प्लीज आप सभी लोग अगर बिगनर हो तो इससे प्लीज अप्लाई मत करना। तो अब हम चलते हैं दूसरे पे। तो दूसरे वाले पे मैं बात करना चाहता हूँ जैसे कि जायरो के ऊपर। तो यार देखिए जायरो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो जायरो अगर आप सभी लोग अगर कंट्रोल कर पाते तो ठीक है, अगर आप सभी लोग नहीं कर पाते तो मैं आप सभी लोग को एक ही सजेस्ट करूंगा, केवल स्कोप ऑन पे रखे जायरो। इससे होगा कि आपका रिकॉयल बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, आप सभी लोग इससे बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा रिकॉयल आप सभी लोग इससे कंट्रोल कर पाओगे, हद से ज़्यादा रिकॉयल कंट्रोल होने वाला है। तो यार आप सभी लोग समझ ही सकते हो कितना बढ़िया आपका गेम प्ले भी हो जाएगा। तो ये थी मेरी ये वाली बात, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट बात पे। तो यार जो हमारी दूसरी होने वाली है वो होने वाली है हेल्थ प्रमोट को ऊपर लेके। तो यार मैं आप सभी लोग को एक ही रिकमेंड करूंगा हेल्थ प्रमोट को लेके, कहाँ गई हमारी हेल्थ प्रमोट, एक सेकेंड। सो ओके, तो गेमर्स जो हमारी अगली बात होने वाली है वो है हीलिंग प्रमोट को लेके, प्रमोट को। तो यार यहाँ पे जैसे देख लो आप सभी लोग को ये वाली साइड, ये वाली बॉक्स पे
मान लो कि इधर साइड ये वाली बॉक्स जो है गेम आपकी ऑटोमेटिक स्विच करते रहती है, मतलब कि आपके गेम के हिसाब से स्विच करते रहती है। तो यार इसे हमें हटा देना, इससे हम बहुत ज़्यादा मुश्किल पे पड़ सकते हैं। मान लो इधर साइड कोई बंदा है और हम इसे मारे और हम पे बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ चुकी है, लेकिन लेकिन जो हमारी जो हीलिंग प्रमोट है वो गेम कुछ और ही दे रहा है। जैसे कि मान लो ये है, ये एनर्जी ड्रिंक और हमने मारा, तो हम एनर्जी ड्रिंक तो नहीं लेना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि फर्स्ट एड किट या बैंडेज फटाक से लगा ले। तो इसके लिए हमें करनी क्या है, इस वाले चीज़ को हीलिंग प्रमोट को ऑफ कर देना, और आप चाहे तो यहाँ पे अपनी मन पसंदीद चीज़ लगा सकते हो और बिल्कुल ईजिली मार के बहुत ही जल्दी आप सभी लोग अपने ओपोनेंट को ख़त्म कर दो और बिल्कुल ईजिली अपनी हील कर सकते हो। तो ये थे हमारी इस वाले फीचर्स की बात। तो अब चलते हैं हम अपनी अगले फीचर्स की तरफ। तो यार अगली फीचर्स जो हमारी होने वाली है बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जो कि मैं आप सभी लोग को बता दूँ कि अगर आप सभी लोग M416 का जो लोहा साइट यानी कि विदाउट स्कोप, मान लीजिए ये दो गन जो बहुत ज़्यादा स्पॉन होते हैं, ठीक है, तो ये दो गन से हमें अधिकतर बंदे भी मारने को मिल सकते हैं। तो यार मैं आप सभी लोग को एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं देखता हूँ बहुत से बंदे जैसे उसके पास कोई भी स्कोप नहीं है उस पर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, समझ लिया आपके पास कोई स्कोप नहीं है और आपको एक चाहिए बेस्ट गन, तो यार मैं आप सभी लोग को मैं अपनी पर्सपेक्टिव से सजेस्ट करूँगा कि M416 स्कारल से ज़्यादा अच्छी रहेगी। मतलब कि गाइस स्कारल M416 से ज़्यादा अच्छी रहेगी, मैंने उल्टा बोल दिया, क्योंकि देखिए विदाउट स्कोप M416 की कुछ ऐसे व्यू आती है कुछ इस तरह से, और स्कारल की कुछ इस तरह से व्यूज़ आती है। तो देख सकते हो यहाँ पे एक स्कोप सा बन गया है जो कि मुझे अच्छी लगी। आप सभी लोग कमेंट बताना आप सभी लोग को कैसी लग रही है स्कारल विदाउट स्कोप या फिर M416 कौन सी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आप सभी लोग को काफ़ी बढ़िया लगा होगा। और हाँ यार मेक श्योर आप सभी लोग अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करना, और कमेंट बताना क्या कमी रह गई। तो मिलते अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।